नमस्कार, मौसम स्टेशन में आपका स्वागत है। इस समय की बात करें तो देश के एक बड़े इलाके से बादल नदारद हैं, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में बादलों की धमाचौकड़ी जारी है। पूर्वोत्तर भारत में बादलों की धमाचौकड़ी बनी हुई है। तो आइए आपको बताते हैं कि किस तरीके का मौसम अगले 24 घंटे में रहने जा रहा है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले कि सैटेलाइट इमेजरी में क्या दिख रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से देश का एक बड़ा इलाका, हम कह सकते हैं वहाँ पर बादल नहीं है। जैसे जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं हिमालय पर्वत दिख रहा है, यानी इसके जो पर्वत शिखर हैं वो दिख रहे हैं। ये जो वाइट वाइट आपको दिख रहा है, ये हम कह सकते हैं कि वो इलाके हैं जहाँ पर बर्फीले पहाड़ हैं, वो दिख रहे हैं। इन्हीं के साथ में बादल भी दिख रहे हैं। चलिए यहाँ पर अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में भी वही स्थिति है। उत्तराखंड की स्थिति आप देख सकते हैं, ये हिमाचल और उत्तराखंड दोनों में आसमान साफ नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि बलिया, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, गोंडा और साथ ही साथ बहराइच, अयोध्या, फैजाबाद, इन सारी जगहों पर बादलों की आवाजाही बनी हुई है। साथ ही साथ यहाँ पश्चिमी चंपारण की बात करें, पश्चिमी चंपारण जो कि बिहार का हिस्सा है, वहाँ पर अगर हम देखें तो वहाँ पर भी घने बादल नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ इससे लगे हुए इलाके, चाहे वो प्रयागराज हो या लखनऊ में भी, हम कह सकते हैं कि आसमान में बहुत ज़्यादा बादल नहीं, उमस बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि इस इलाके में जो हवाएं हैं वो कहीं ना कहीं पुरवैया हैं, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है। दूसरी तरफ अगर हम चलें तो हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं भुवनेश्वर और आसपास के इलाकों में बादलों की आवाजाही है। और साथ ही साथ अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में ज़्यादातर जगहों पर हल्के फुल्के बादल हैं। और यहाँ पर अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर भी बादलों की आवाजाही नज़र आ रही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं पूर्वोत्तर भारत की, तो पूर्वोत्तर भारत में हम कह सकते हैं बादलों की आवाजाही बनी हुई है। दूसरी तरफ अगर हम चलें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गुजरात का आसमान एकदम साफ है। राजस्थान की बात करें तो गर्मी है, ज़बरदस्त गर्मी है। और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और आसपास के इलाकों में हम कह सकते हैं कि जिस तरीके का मौसम जुलाई में होना चाहिए वैसा ना होकर बिल्कुल जून के महीने की तरह मौसम है। तो ये स्थिति यहाँ पर है। अगर वेस्टर्न घाट की बात करें, सह्याद्री की बात करें, तो वहाँ पर भी बादलों की हल्की फुल्की आवाजाही है, लेकिन ये स्थिति बदलने जा रही है। मौसम विभाग का कहना है ये स्थिति बदलेगी। जहाँ एक तरफ वेस्टर्न घाट पर बादलों की कम आवाजाही है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर अंडमान निकोबार की बात करें तो यहाँ पर अब तक बारिश में कमी रही है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम कह सकते हैं बादलों की धमाचौकड़ी तेज़ हो गई है। यहाँ कई इलाकों में अच्छी बारिश होने का अनुमान है, यानी अंडमान निकोबार में जो लोग हैं उनको मानसून की अच्छी बारिश मिलने जा रही है। तो ये स्थिति हम कह सकते हैं क्लाउड कवर को लेकर है, जिसको हम आपको बता रहे थे। तो यहाँ एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम इस पर नज़र डालें कि न्यूमेरिकल मॉडल्स क्या कह रहे हैं, यानी आने वाले 24 से 48 घंटे में क्या होने जा रहा है, क्या मौसम विभाग जो कह रहा है कि मानसून एक बार फिर से रिवाइव करेगा, फिर से ताकतवर होगा, उसमें कितनी सच्चाई है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं न्यूमेरिकल मॉडल क्या कह रहे हैं। तो यहाँ न्यूमेरिकल मॉडल की बात कर लेते हैं। तो न्यूमेरिकल मॉडल में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अगले 24 घंटे में हम कह सकते हैं कि एक कम दबाव का क्षेत्र या सर्कुलेशन झारखंड और पश्चिम बंगाल के इलाके के ऊपर होगा, जिसकी वजह से ये देखिए किस तरीके से हवाएं पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पहुँचेंगी। यानी अगले 24 घंटे का हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से मानसून की हवाएँ अब तेज़ी पकड़ेंगी। साथ ही साथ वेस्टर्न घाट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी मानसून की बारिश में तेज़ी आएगी। और सेंट्रल इंडिया की बात करें, जिसमें छत्तीसगढ़ के साथ साथ विदर्भ के इलाके, तेलंगाना के इलाके और साथ ही साथ यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात करें, तो मध्य प्रदेश और इन सब जगहों पर सेंट्रल इंडिया के पोर्शन में हम कह सकते हैं कि बारिश में तेज़ी आएगी। यानी अगले 24 से 48 घंटे की यहाँ पर बात की जा रही है। उसके बाद की बात करें, यानी 9 और 10 तारीख की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर पुरवैया हवाएँ दूर तक पहुँचेंगी, यानी पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों को राहत देंगी। साथ ही साथ दिल्ली और आसपास के इलाकों में
हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 9 और 10 तारीख की ये प्रेडिक्शन है, लेकिन इसमें बदलाव हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम देखें तो उत्तराखंड की जो पहाड़ियाँ हैं, खासतौर पर देहरादून, मसूरी और इसके अलावा नैनीताल की बात करें, तो उन सब जगहों पर भारी बारिश होने का अनुमान है 9 और 10 तारीख को। तो यहाँ पर दिल्ली और आसपास के इलाकों की बात है, साथ ही साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी बारिश का सिलसिला बढ़ेगा। और अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी बारिश बढ़ जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर गोवा और कोंकण गोवा के इलाके के साथ साथ कर्नाटक का जो कोस्टल इलाका है वहाँ पर भी ज़ोरदार बारिश की संभावना बन जाएगी। 10 और 11 तारीख की बात करें तो दिल्ली मानसून पहुंचने की संभावना है 10 तारीख को। वो स्थिति यहाँ पर न्यूमेरिकल मॉडल में आसानी से देखी जा सकती है, यानी पूरे के पूरे तराई इलाके में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश बिहार के इलाके में पुरवैया, स्ट्रांग पुरवैया चलेगी, यानी तेज़ हवाएं चलेंगी। ये 10 और 11 तारीख की हम बात आपको बता रहे हैं। और साथ ही साथ पूर्वी राजस्थान में भी हम कह सकते हैं कि बारिश बढ़ जाएगी। और एक और अच्छी चीज़ है, गुजरात की बात करें तो 10 और 11 तारीख को हल्की बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग लगा रहा है। तो यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं कि किस तरीके से मानसून की जो दशा और दिशा है वो बदल रही है। और यहाँ पर हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली, इन सारी जगहों पर बारिश की तेज़ी बढ़ जाएगी। साथ ही साथ एक यहाँ पर एक और क्षेत्र डेवलप हो रहा है जो इंटेंस होगा, और उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ अगर हम 11 तारीख की बात करें तो 11 और 12 की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एक लो प्रेशर बना हुआ है। और ये लो प्रेशर क्या कर रहा है, देखिए किस तरीके से पुरवैया हवाएं एक बड़े इलाके में पहुँच रही हैं। दिल्ली, साथ ही साथ राजस्थान के एक बड़े इलाके में बारिश की संभावना बन जाएगी। और पश्चिमी मध्य प्रदेश के इलाके में जहाँ पर लोग इंतज़ार कर रहे थे आखिरकार अच्छी बारिश कब होगी, तो मध्य प्रदेश के लोगों को हम बता दें 12 और 13 तारीख को अच्छी बारिश होने की संभावना है। तो ये स्थिति एक बड़े इलाके में हो रही है, एक तरीके से मानसून रिवाइव करेगा। यानी 12 और 13 तारीख को देखिए कि देश के ज़्यादातर इलाकों में मानसून की हवाएँ पहुँच जाएंगी और दिल्ली और आसपास के इलाकों में झमाझम बारिश का सिलसिला रहेगा। साथ ही साथ अगर हम 13 और 14 की बात करें तब भी दिल्ली को बारिश से निजात नहीं मिल रही है। और एक और यहाँ पर कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, यानी 13 और 14 तारीख को एक कम दबाव का क्षेत्र और बन रहा है जिसकी वजह से मानसून और तेज़ी से आगे बढ़ेगा। ये देखिए, और ये स्थिति हम 14 और 15 की दिखा रहे हैं, देश के ज़्यादातर हिस्सों में झमाझम बारिश का सिलसिला बनेगा और इससे पाकिस्तान भी अछूता नहीं रह जाएगा, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है 14 और 15 को, उसका असर देखा जाएगा। और जब हम 15 और 16 तारीख की बात करेंगे तो देश के ज़्यादातर इलाकों में मानसून दस्तक दे चुका होगा। देखिए किस तरीके से ये लो प्रेशर एक बड़े इलाके में झमाझम बारिश देगा। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, मुंबई के साथ साथ कोंकण, गोवा, इन सारी जगहों पर भारी बारिश होने का अनुमान 15 जुलाई के आसपास का लगाया जा रहा है। ये देखिए, यानी राजस्थान, पूरी राजस्थान में झमाझम बारिश हम कह सकते हैं 15 और 16 तारीख को होगी। निश्चित तौर पर राजस्थान के लोगों के लिए काफ़ी राहत भरी खबर है, क्योंकि मानसून फिलहाल तो नाराज़ है, लेकिन आने वाले दिनों में, यानी हम कह सकते हैं अगले 7 से 10 दिनों में राजस्थान, दिल्ली और पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में अच्छी बारिश देगा। गुजरात में भी हल्की बारिश होने की संभावना है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, मानसून करवट लेने जा रहा है, वो निश्चित तौर पर न्यूमेरिकल मॉडल बता रहा है। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।